हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सैनी ऑफिशियल। जैसा कि आप लोगों ने देखा था पार्ट फर्स्ट व्लॉग में, उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था डे वन एंड डे टू। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ फिनाले डे, यानी कि जो हमारा फाइनल डे था मिस इंडिया कॉम्पिटिशन का। वो तो चलते हैं, देखते हैं कि पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया, कौन कौन से राउंड हुए थे, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो यहाँ पर ये डांस प्रेजेंट किया था, कास्टिंग डायरेक्टर है ये मैम, इन्होंने और इनकी टीम ने। ये चाइल्ड्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो इन्होंने बच्चों के साथ ये यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस दी थी अपनी। अब यहाँ पर जितने भी डायरेक्टर्स थे एलीट क्लब के, उन सब की यहाँ पर क्राउनिंग होने वाली है और वो लोग रैंप वॉक करने वाले हैं यहाँ पर वन बाय वन। तो ये हैं डॉक्टर गुनप्रीत मैम, एलीट क्लब की डायरेक्टर आप कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज़र कह सकते हैं। यही एलीट क्लब इन्हीं का है और यही ऑर्गेनाइज करती हैं सब कुछ। बहुत ही ज़्यादा काइंड लेडी है और रैंप पर अभी इनके साथ इनकी बेटी है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे मैम से मिलकर। अब यहाँ पर हुआ था मैगजीन लॉन्च, जिसके अंदर है आपकी अपनी प्रिया भी। सो देख सकते हो कुछ इस तरीके की मैगजीन थी ये, ब्यूटीज 2019 की स्पेशल एडिशन, 100 लेडीज हैं इसके अंदर। सो इसमें मेरा भी नाम है।
अब यहाँ पर होने वाला है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे सबसे अलग अलग। तो अब इसके आगे होने वाली है हमारी क्राउनिंग। सबसे पहले हमें स्टेट वाइज क्राउन दिया जाएगा, फिर हमें जो भी सब टाइटल्स मिले हैं उसकी क्राउनिंग होगी, और फिर हमारी होगी फाइनल क्राउनिंग। सो यहाँ पर सब लोगों को कंफ्यूजन है कि मुझे मिस चंडीगढ़ का क्यों मिला। एक्चुअली दिल्ली फील्ड हो चुका था, तो मैंने जो ऑडिशन है वो मैंने चंडीगढ़ की तरफ से दिया था, तो इसीलिए मेरा मिस चंडीगढ़ में सिलेक्शन हुआ। पर हमें मिस इंडिया फाइनलिस्ट का सर्टिफिकेशन भी मिला। मिस परफेक्ट बॉडी का मुझे सबटाइटल मिला, जिसकी कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी। एंड यहाँ पर मेरी फाइनल क्राउनिंग होने वाली है। मेरे पास एक क्राउन भी नहीं था, और एक ऐसा टाइम आया कि मैंने इतनी स्टडी करी थी कि कभी सोचा नहीं था कि मैं मिस इंडिया रैंप पे खड़ी होंगी, और आज मेरे पास 3-3 क्राउन्स है। सो ये है मेरी और मम्मा की पिक, जो कि हमने बाद में खींची। यहाँ पर बहुत सारे क्लिक्स किए थे, पर मैंने अपना कोई भी सोलो पिक नहीं लिया। उस टाइम में इतना ज़्यादा लगा हुआ था ना कि जल्दी 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 जल्दी, तो मैं उस टाइम पर भूल गई थी। और आप लोगों की इतनी सारी विशेज थी, इतने सारे गुड लक्स हैं मेरे लिए। सो थैंक यू वेरी मच आप सबका। सो ये फैमिली सपोर्ट ही होता है जो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। डेस्टिनी हमें कहीं भी पहुँचा सकती है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्ते।